जो आज का आंदोलन चल रहा है, क्योंकि पूरे देश की मीडिया की नजर उसी पे ही है। जब दिल्ली से आंदोलन जीत के गए, सरकार से बातचीत हुई तो 13 महीने बाद में वहां से गए तो वहां पे एसकेएम गया था, लेकिन भारत सरकार ने 3 साल में किसान संगठनों को भी तोड़ने का काम किया। बहुत से नए संगठन बनाए, नए एसकेएम के गठन करवाए और इकट्ठे होकर दिल्ली की कोल नहीं दी। जिस तरह से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चले, जिस तरह से पानी चला, ड्रोन कैमरे का देश में पहला एक्सपीरियंस सरकार पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले ड्रोन कैमरे से छोड़ते, आप इतना काम तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ लो, लेकिन वो ट्रायल करा गया। ये देश का किसान मजदूर कभी ये जो हरकत हुई है उसको भूलेगा नहीं। जब हम नहीं जा रहे तो कहीं को लगा रखी है आपने, जब जाएंगे बता कर जाएंगे, 21 तारीख को जाएंगे डीएम के वहां पर जाएंगे, बता कर जाएंगे, ट्रैक्टर से जाएंगे, क्योंकि जो ट्रैक्टर को रोकने का काम कर गया है स्टेट के मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर खेत में चलने का है, वो ट्रैक्टर खेत में चले सड़कों पर ना चले। हमारे पास में व्यवस्था तो है नहीं कि हम बसे करेंगे वो करेंगे, हमारा ट्रैक्टर है ये खेत में भी चलेगा और ये दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर भी चलेगा। हमको चाहिए एमएसपी गारंटी कानून, जो व्यापारी सस्ते में फसलें खरीदता है उस पर कानून बने कि सस्ते में व्यापारी फसलें नहीं खरीदेगा, ये गारंटी कानून दे दो, हमको ये चाहिए। लेकिन ये सरकार अगर बीजेपी की होती, ये सरकार जिन्होंने बीजेपी पार्टी बनाई उनकी विचारधारा की होती तो वो हमसे जरूर बात करती। ये सरकार देश के बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, ये जो सरकार है उद्योगपतियों के पैरोल पर चलती है, उद्योगपतियों को नुकसान ना हो जाए इसलिए कानून नहीं बना रहे हैं। पुलिस प्रशासन वर्दी सरकार की होगी, हमको वर्दी रोकती है, लेकिन जो अंदर वर्दी के आदमी है वो हमारे साथ में है। ध्यान रख लेना, ये इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये जो वर्दी है ये सरकार की वर्दी है, ये रोकती है, अंदर वाला आदमी हमारे साथ में है। जो इनको ऑर्डर देता है वो दिखाई नहीं देगा, जो पूंजीवाद है वो दिखाई नहीं देगा, जैसे भूत दिखाई नहीं देता और भूत को पीढ़ी दर पीढ़ी डराते हुए आ रहे हैं सब लोगों को ये भूत आ जाएगा, ऐसे ही देश में पूंजीवाद है दुनिया में, वो दिखाई नहीं देगा आपको। अभी जो सरकारों की पॉलिसी है कि ये आंदोलन जो चल रहा है इसको लंबा चलाएंगे, इसको इलेक्शन के बाद तक लेकर जाएंगे, ये सरकारों की नीति है। इसको 2 महीने जब इलेक्शन रहेगा तो किसान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पे, इसको पंजाब का किसान आंदोलन बताएंगे, इसको सिख समाज का किसान आंदोलन बताएंगे, क्योंकि पंजाब में भी दूसरी पार्टी की सरकार है, उसका भी नुकसान करेंगे और किसान संगठनों को भी बदनाम करने का काम करेंगे। तो हो क्या रहा है कि किसान अपनी खेत बेच के तो अमीर हो रहा है और फसल बेच के गरीब हो रहा है, तो ये आंदोलन चलेंगे, लंबे आंदोलन चलेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन चलाते रहेंगे। आपके आंदोलनों के बीच में कुछ गलत तरीके के लोग आएंगे, कोई आदमी पत्थरबाजी करता हो, कोई किसी की इंसल्ट करता हो, किसी अधिकारी के साथ में न्यूसेंस करता हो, किसी पर डरा पत्थर ईंट बगाता हो, उसकी हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है, वो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, हम उससे कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। जो भी हिंसक वारदातों में शामिल रहेगा उसको पुलिस देखे, आसपास के लोग हैं उसको वो देखे। सरकार आपके बीच में कुछ गलत तरीके के लोग
भेज सकती है, जो आपके बीच में कोई आगजनी की बात करें, आपके बीच में कोई पत्थरबाजी की बात करें, उसको वहीं पकड़कर पुलिस को दो। जो इस तरह के विचारधारा कोई आदमी होगा वो हमारे संगठन का नहीं है। डेथ हो जाओ किसी की तो कह ले नहीं, पड़ोसी को भी बुला दे और ट्रैक्टर में देते हैं बैठा, कह ले कि हम आ रहे गाड़ी में बैठ के और आप चलो ट्रैक्टर में और पड़ोसी को सबको इकट्ठे कर ले। ये नहीं है, महिलाओं को अगर काम बताओगे तो वे करेंगी, वे आगे रह के काम करने वाली है। वे घर का काम भी करती हैं, खेत का भी करती हैं, फैक्ट्री में भी काम करती हैं। जब देश की महिलाएं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सके, हवाई जहाज और फाइटर विमान चलाती हैं, तो आंदोलन में भी बराबर में उनकी हिस्सेदारी रहनी चाहिए। आप उन्हें घर से लेकर जाओगे तो वे आंदोलन में भागीदारी उनकी रहेगी। और अब आने वाले टाइम पे ये जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा जब गाजीपुर बॉर्डर पे पिछली बार आंदोलन हुआ, पूरा काफला एक महिला अधिकारी थी, वह ट्रैक्टर के आगे खड़ी रही। हमने कहा पे जान ले, हमें जान नहीं देगी, क्योंकि एक बड़ी साजिश थी वो। हमारे वाली महिला वहां पर थी नहीं, वो उड़ती रही हमारे साथ में, उसने पूरा ही तो डिस्टर्ब कर दिया। तो अब जब जरूरत रहेगी तो है हमारे पास में भी क्रांतिकारी, कविता जैसी क्रांतिकारी, ममता है, कविता है, केतकी है, सारी की सारी है ये। अब इनकी मीटिंग हुई यहाँ पे तो आपस में बातचीत भी करती रहेगी। इनका तालमेल भी होगा, एक दूसरे से जान पहचान भी होगी। बबली हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, पहले केतकी रही, अब केतकी राष्ट्रीय महासचिव है। और वो ये नहीं कि महिलाओं की राष्ट्रीय महासचिव होगी, वो मेन बॉडी में काम करेगी, क्योंकि जाएगी तो उसी हैसियत से जाएगी वहां पे, क्योंकि बहुत सीनियर हैं। कम से कम 15 से 20 देशों में यात्रा उन्होंने करी है, बहुत एक्सपीरियंस पूरी देश और दुनिया का उनको है। जो आज का आंदोलन चल रहा है, क्योंकि पूरे देश की मीडिया की नजर उसी पे ही है, जब दिल्ली से आंदोलन जीत के गए, सरकार से बातचीत हुई तो 13 महीने बाद में वहां से गए, तो वहां पे एसकेएम गया था, लेकिन भारत सरकार ने 3 साल में किसान संगठनों को भी तोड़ने का काम किया। बहुत से नए संगठन बनाए, नए एसकेएम के गठन करवाए और इकट्ठे होकर दिल्ली की कॉल नहीं दी। ये संगठन की एक संगठन था, उसकी कॉल ये दिल्ली की है, हमारा 14 मार्च का है, एक दिन का प्रोग्राम दिल्ली का है, तो सबने अलग अलग कॉल दी। लेकिन जो पंजाब के किसान, वो नहीं होना चाहिए जिस तरह से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चले, जिस तरह से पानी चला। ड्रोन कैमरे का देश में पहला एक्सपीरियंस सरकार पुलिस प्रशासन ने आंसू गैस के गोले ड्रोन कैमरे से छोड़ दे। आप इतना काम तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ लो, लेकिन वो ट्रायल करा गया। ये देश का किसान मजदूर कभी ये जो हरकत हुई है उसको भूलेगा नहीं। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है हरियाणा में कि पूरी पुलिस फोर्स गांवों में भेज रहे हैं, अभी तो हरियाणा के किसानों को कहा ही नहीं कि उनको कहां जाना है। हरियाणा के किसान को कहा 21 तारीख को, हरियाणा का किसान 21 तारीख को निकलेगा, उत्तर प्रदेश का निकलेगा, बहुत स्टेट का किसान निकलेगा। डीएम जो डीसी होता है उसके वहां पे ज्ञापन देंगे, ट्रैक्टर से ही जाएंगे। हमने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर इन पे पूरी बैरिकेडिंग कर रखी, जब हमको जाना ही नहीं तो क्यों कर रखी भाई, क्यों जनता को दुखी कर रहे हो? आप उसको खोल दो, जब जाना होगा तो बता कर जाएंगे।
ये दिखाने को कि किसानों ने वो कर रखा, किसान को जब आएगा तो चलेगा ही। मतलब अभी से ही घेर रखे, रात हमने भी जाकर देखा पूरा फोर्स वो लगा रखी, तो कहीं को लगा रखी है, जब हम नहीं जा रहे तो कहीं को लगा रखी है आपने। जब जाएंगे बता कर जाएंगे, 21 तारीख को जाएंगे डीएम के वहां पर जाएंगे, बता कर जाएंगे, ट्रैक्टर से जाएंगे, क्योंकि जो ट्रैक्टर को रोकने का काम कर गया है एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर खेत में चलने का है, वो ट्रैक्टर खेत में चले सड़कों पर ना चले। हमारे पास में व्यवस्था तो है नहीं कि हम बसे करेंगे वो करेंगे, हमारा ट्रैक्टर है ये खेत में भी चलेगा और ये दिल्ली की चमचमाती सड़कों के ऊपर भी चलेगा। जब चलेंगे जहां जाना होगा, अगर ट्रैक्टर की कॉल होगी तो ट्रैक्टर सजाएंगे, गाड़ी की होगी तो गाड़ी सजाएंगे, ट्रेन की होगी तो उससे सजाएंगे। लेकिन ये किसान ना डरेगा ना थकेगा ना आंदोलन से पीछे हटेगा। अगर इसको जितना डराने का काम करोगे उतना ही आगे आएगा। पता चला है कि कुछ समझौता भारत सरकार कर रही, गुना भाग कैसे लेकर आए, पहले कह रहे कि 24 फसलें हैं पूरे देश के किसान की फसलें हैं और फसलें भी हैं, अब कमेटी से बात कर रहे हैं कि 5 फसलों पे एमएसपी खरीद की गारंटी देंगे हम और सरकार इसको खरीदेगी। वो तो आप क्या, जब देश में दालें कम है, तेल कम है और ये रिपोर्ट भी है कि 2030 तक ये आयात बाहर से करना पड़ेगा, तो पॉलिसी है कि किसान दालों का उत्पादन कर हम खरीद की गारंटी दे रहे 5 साल की, ये तो पहले से ही आ रहा है। हमको चाहिए एमएसपी गारंटी कानून, जो व्यापारी सस्ते में फसलें खरीदता है उस पर कानून बने के सस्ते में व्यापारी फसलें नहीं खरीदेगा, ये गारंटी कानून दे दो, हमको ये चाहिए। लेकिन ये सरकार अगर बीजेपी की होती, ये सरकार जिन्होंने बीजेपी पार्टी बनाई उनकी विचारधारा की होती तो वो हमसे जरूर बात करती। ये सरकार देश के बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, ये जो सरकार है उद्योगपतियों के पैरोल पर चलती है, उद्योगपतियों को नुकसान ना हो जाए इसलिए कानून नहीं बना रहे हैं। क्योंकि जब 800 रुपए में धान मिलेगा, 1100 रुपए में मक्का मिलेगी, 1400 रुपए में गेहूं मिलेगा तो क्यों बनाएंगे, क्योंकि व्यापारियों को नुकसान होगा। ये जब केएमपी सड़क आपके बराबर में गुजारी, आप इसको देखना एक दिन गिरना के कितने धान के ट्रक अकेले केएमपी को निकलते हैं, हजारों ट्रक हर रोज निकलते हैं, वे सस्ते में धान लेते हैं, जो बड़े बड़े सेलर्स हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के, वे खरीद करवाते हैं सस्ते में और फिर पब्लिक को महंगे में बेचते हैं। यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा तक पुलिस प्रशासन वर्दी सरकार की होगी, हमको वर्दी रोकती है, लेकिन जो अंदर वर्दी के आदमी है वो हमारे साथ में है। ध्यान रखना, ये इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये जो वर्दी है ये सरकार की वर्दी है, ये रोकती है, अंदर वाला आदमी हमारे साथ में है। जो इनको ऑर्डर देता है वो दिखाई नहीं देगा, जो पूंजीवाद है वो दिखाई नहीं देगा, जैसे भूत दिखाई नहीं देता और भूत को पीढ़ी दर पीढ़ी डराते हुए आ रहे हैं सब लोगों को कि भूत आ जाएगा, ऐसे ही देश में पूंजीवाद है दुनिया में, वो दिखाई नहीं देगा आपको। अभी जो सरकारों की पॉलिसी है कि ये आंदोलन जो चल रहा है इसको लंबा चलाएं, इसको इलेक्शन के बाद तक लेकर जाएंगे, ये सरकारों की नीति है। इसको 2 महीने जब इलेक्शन रहेगा तो किसान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पे, इसको पंजाब का किसान आंदोलन बताएंगे, इसको सिख समाज का किसान आंदोलन बताएंगे, क्योंकि पंजाब में भी दूसरी पार्टी की सरकार है,
उसका भी नुकसान करेंगे और किसान संगठन को भी बदनाम करने का काम करेंगे। अब एक सोशल चल रहा है कि अगर एमएसपी मिलेगी तो महंगाई बढ़ेगी। क्या अभी कोई सस्ता मिल रहा है? एमएसपी तो भारत सरकार ने दे रखी है। हमने कहा कि जो भारत सरकार ने एमएसपी दी है उस पर गारंटी कानून बना दो कि व्यापारी ना खरीदे, इससे सस्ते पे सरकार खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। लेकिन क्या है कि जो सरकार में बटे हुए लोग है, व्यापारी सस्ता ना खरीदे, सरकार का नुकसान हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यापारी को फायदा होना चाहिए। आंदोलन जो पहले आंदोलन हुआ 13 महीने, उससे भी बड़ा आंदोलन देश में करना पड़ेगा। इस वक्त एमएसपी नहीं है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, बिजली फ्री देने की बात करी, ये सरकार आएगी तो 5 साल बिजली फ्री देंगे, सरकार आएगी तो 1 साल की घोषणा करी, लेकिन कोई बिजली फ्री नहीं। देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। गन्ने का भाव भुगतान, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में मंडी पूरा सेक्टर खत्म कर दिया। आपके यहां भी बिहार के लोग नौकरी करने आते होंगे, वे बिहार के किसान हैं, वहां का मजदूर नहीं है, वे किसान हैं, उनको मजदूर भारत सरकार की गलत पॉलिसियों से बनाया गया। बिहार अकेला एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर मजदूर तैयार होता है, और सरकारों की पॉलिसी है भारत सरकार की कि 40% लोग खेती से हटे, वो लेबर में तब्दील हो, और देश में लेबर पैदा हो, जो कंट्री है ये लेबर कंट्री बने। बड़ी साजिश है, जमीन छीनने की साजिश है। जो क्लोज था एक, वो क्लोज भारत सरकार ने कुछ क्लोज भूमि अधिग्रहण एक्ट में से हटाए हैं। पहले जमीन बेचता था व्यापारी, आज वो जमीन खरीद रहा है, वो कहीं से भी कोई भी काम करेगा जमीन खरीदेगा। आप सोचे जमीन के रेट बहुत महंगे होंगे, जमीन बेच दो, जो अगला आदमी जमीन खरीद रहा है वो क्या काम कर रहा है, आप भी वही काम कर लो। किसान जमीन बेचेगा तो बर्बाद होगा, हमको फसल बेच के अमीर होना है, जमीन बेच के अमीर नहीं होना। तो हो क्या रहा है कि किसान अपनी खेत बेच के तो अमीर हो रहा है और फसल बेच के गरीब हो रहा है। तो ये आंदोलन चलेंगे, लंबे आंदोलन चलेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन चलाते रहे। आपके आंदोलनों के बीच में कुछ गलत तरीके के लोग आएंगे, कोई आदमी पत्थरबाजी करता हो, कोई किसी की इंसल्ट करता हो, किसी अधिकारी के साथ में न्यूसेंस करता हो, किसी पर डड़ा पत्थर ईंट बगाता हो, उसकी हमारे यहां पे कोई जगह नहीं है, वो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, हम उसके कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। जो भी हिंसक वारदातों में शामिल रहेगा उसको पुलिस देखे, आसपास के लोग हैं उसको वो देखें। सरकार आपके बीच में कुछ गलत तरीके के लोग भेज सकती है, जो आपके बीच में कोई आगजनी की बात करें, आपके बीच में कोई पत्थरबाजी की बात करें, उसको वहीं पकड़कर पुलिस को दो। जो इस तरह के विचारधारक कोई आदमी होगा वो हमारे संगठन का नहीं है। हमने पिछले 35 साल से आंदोलन करते हैं, अधिकारी से क्या व्यवहार रहना चाहिए, सरकारों से क्या रहना चाहिए, हम किसी पार्टी और किसी सरकार के पक्षधर नहीं हैं। ये किसान है, सरकारों की गलत पॉलिसी होगी तो उसका विरोध होगा, सरकारों की सही पॉलिसी होगी तो उसका धन्यवाद देंगे। यहां जोड़कर देखते हैं कि ये संगठन या यहां के लोग जो किसान हैं वो उस पार्टी से हैं। हमने कहा कि हम किसान वोट देता है, नोटा नहीं दबाता, वोट दो बिल्कुल ठोक के जिसको देनी है, जो आपका हमदर्द हो उसको वोट दो,
नोटा दबाने वाला संगठन में भी नहीं चाहिए। यहाँ आंदोलन करो और वोट दो ठोक के, जिसकी मर्जी है वो वहां पर दो। हमारे संगठन में सब पार्टियों के विचारधारा के लोग हैं। ट्रैक्टर 10 साल पुराना नहीं चलेगा, ट्रैक्टर की तो आदत सरकार ने डाल ली है ना। हमने जब कहा, जब दिल्ली में आंदोलन चला कि भाई ट्रैक्टर को एनजीटी से बाहर निकाल दो, जज की गाड़ी को निकाल दो, 10 साल पुरानी गाड़ी है, वकील और हकीम की जो डॉक्टर की गाड़ी है उसको निकाल दो, किसान का ट्रैक्टर, जज की गाड़ी, अधिकारी की गाड़ी, वकील की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी 10 साल में कितनी चल जाती है। ये जज और वकील आंदोलन नहीं करेंगे तो कम से कम हमको तो बताएंगे जी हमारी गाड़ी का क्या होगा। ये जो पुलिस के कर्मचारी खड़े प्राइवेट गाड़ी तो ये भी लेंगे तो 10 साल में इनकी भी खत्म। इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये 10 साल पुराना फार्मूला हटाना पड़ेगा, इससे उद्योगपतियों को लाभ है। हमारे पास में खड़ा है 56 साल पुराना ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर है, पुलिस की गाड़ियां हैं थानों में खड़ी। ये एनजीटी का कानून हटाओ, किलोमीटर पे कर लो, 5-10 लाख किलोमीटर चलेगी भाई। एक रोडवेज की गाड़ी 800 किलोमीटर एक दिन में चले, लखनऊ जागीर आवेगी 1200-1300 किलोमीटर का चक्कर रहेगा। एक डॉक्टर की गाड़ी अपने वो क्लिनिक तक गया, 2 दिन की छुट्टी रखे, उसकी चली 17 किलोमीटर, दोनों साल में 10 साल में खत्म होगी। तो ये संघर्ष तो करना पड़ेगा। जो योजनाएं है सरकारों की वे गरीब आदमी तक नहीं जा रही, मजदूरों को हमको अपने साथ में जोड़कर चलना पड़ेगा। जो भूमिहीन किसान है, गांव में रहते हैं, भूमिहीन किसान है, मजदूर है, अकेले, ये नहीं कि हम खेती की बात करते हैं, उनके राशन की बात है, सरकार की योजना उनको मिलनी चाहिए, पेंशन है उनको क्यों नहीं मिल रही, एक का बढ़िया मकान भी बन रहा, प्रधान और जो सरपंच है उससे ठीक तालमेल है उसी की बनवाते हैं, गरीब आदमी कहां जाएगा। राशन, ये राशन वाले भी गरीब आदमी को तो दे ही नहीं रहे, अगर उनका कोई विरोध करें तो पार्टी बनकर खड़ी हो जाते हैं। जो गरीब आदमी है उसको राशन दुआ हो, जो सरकार की योजना है वे सरकार लागू करें, संगठन इन चीजों पर भी ध्यान रखें। तो आप लोगों ने बात सुनी, सवाल बहुत से हैं, संगठन बनाओ अपना, 11-21-51 आदमी की गांवों में कमेटी बनाओ। यहां पे क्योंकि शहरीकरण हो रहा तो वार्ड वाइज अपनी कमेटी का गठन करो, अपने बच्चों को नशे पत्ती से दूर रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने आंदोलन पे ध्यान दो, अपनी मीटिंग करो, छोटी बड़ी मीटिंग आप करो। ये जो आज महिला पंचायत हुई, इस तरह की पंचायत शामली में, कविता ने भी इस तरह की पंचायत वहां पर 2-3 की, मुजफ्फरनगर में भी ये पंचायतें हुई, और ये धीरे धीरे पंचायतें बढ़ेगी। बबली त्यागी से हम कहेंगे कि आप इस पे ध्यान दो, पंचायतें, महिला पंचायत आप जरूर करवाओ, क्योंकि उसी से ही महिला जब घर पर रहती है, जब मेरठ का आंदोलन चला तो जब घर से खाना बन बन कर जाता था आंदोलन में, तो महिलाएं हर घर से 10-10, 15-20-20 रोटी बनाती थी। अगर वो 10 रोटी भी बनाएगी और उनको पता है कि खाना आंदोलन में जाएगा तो हाथ से रोटी बनाती थी, अब तो चकला बेलन से बनाती है हमारी बहनें, पहले हमारी माताएं थी वे हाथ से बनाती थी, तो जैसे ही बनाती थी हाथ से तो 10 थाप लगती थी एक रोटी पे, तो 108 मालाएं उसी में जब जाती थी कि आंदोलन में जा रहा, तो ये आंदोलन जब सक्सेसफुल हुआ था। तो हमारे तो रोटियों में ही राम है, ये बस भरत का कहां जा रही है, तो विदेश छोड़े देकर जा रहे, इनसे बच के रहना। एक दिन की आपको यात्रा जरूर करवाओगे, रेल में चलना फ्री चलना, रेल फ्री, बस फ्री, तो रेल भी फ्री। अयोध्या में मीटिंग रखेंगे किसान पंचायत, प्रोग्राम उसका बनावेंगे और फ्री चलेंगे।
अयोध्या तो फ्री जा रही है, जब सारी दुनिया फ्री जा रही है तो एक दिन आप भी गंगा स्नान करिए अयोध्या के नाम पे ही सही, वहां पंचाम पंचायत कर लेंगे, आप अपना दर्शन कर लेना। तो ये रोटियों में जो राम है ये दोबारा आ जाना पड़ेगा, हमारा रोटियों का राम से लगा महिलाओं का, और इसीलिए गांव से घर से आंदोलन चला गया, महिलाओं का आंदोलन चला गया, महिलाओं को जरूर साथ में लेकर आओ, महिलाएं पंचायत हो उनकी मीटिंगें हो, और जो मेन बॉडी है उनसे भी मिलके आपस में बातचीत करके कहां किसको गठन करना है वो सब मिलके गठन करें आंदोलन। हम पंजाब वाले आंदोलन को देख रहे हैं, एसकेएम जो किसान संयुक्त मोर्चा है उस पर नजरे गड़ा हुए हैं, हमारे 40 बड़े संगठन के लोग हैं जो एसकेएम के हैं, जैसे वो हमको बताएंगे हम सब उसी पैटर्न पे काम करेंगे। तो आपने बात सुनी, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिलन सिंह।